से गांव में लौटेगी हंसी, फिर से शहरों में रौनक आएगी, ना होगी पाबंदी ना रोक ही कोई, इसे साथ सारे यार होंगे, बांटेंगे हम खुशियां गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, सड़कों पे सब नाचेंगे पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, जो साथ दे दे सारा साथ।
वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारों जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारों खो रहा चैनो अमन खो रहा चैनो अमन हाँ मुश्किलों में है वतन मुश्किलों में है वतन सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारों जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो खो रहा चैनो अमन खो रहा चैनो अमन हाँ मुश्किलों में है वतन मुश्किलों में है वतन सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो 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 जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी हमने कहा है हमने कहा है जो तुम भी कहो आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा अपना जहां है सबसे प्यारा आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा अपना जहां है सबसे प्यारा हमने कहा हटते नहीं वक्त है उम्र है जोश है और जान है ना झुके ना मिटे देश तो अब निशान है वक्त है उम्र है जोश है और जान है ना झुके ना मिटे देश तो अब निशान है हमने कहा है जो तुम भी कहो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी जो दिखाए कोरोना ना लग
जेट जाजो डॉक्टर ने वार आवे दरकारी ना तमे राखता हो हेल्पलाइन नंबर 104 जीवन ची मोंगू मूल रजू अफवाओ थी दूर नथी डरवानी जरूर तमे ध्यान राखजो चेती ने चालजो हाँ ध्यान राखजो सावचेती राखजो वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति दो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वतदा भला। कोरोना वायरस जी वैश्विक महामारी बीमारी ने ध्यान लई अने सरकार श्री ना आदेश मुजब ना जे त्रण लॉकडाउन सरकार श्री तरफ थी आपवामां आव्या એનો લગભગ આજે છેલ્લો દિવસ હતો અને આ 50 થી વધારે દિવસોમાં અમારા ગામમાં સરકારી કર્મીઓ હેલ્થ ઓફિસર પંકજભાઈ જીઆઈડી એટલે હોમગાર્ડના જવાનો આશા વર્કર બહેનો આંગણવાડીની બહેનો પોલીસ કર્મીઓ સફાઈ કર્મીઓ વગેરે લોકોએ તેમજ પત્રકાર મિત્રો વગેરે જે 50 થી વધારે દિવસે સતત ગામની ચિંતા કરી અને લોકડાઉનનું ચુસ્તપણે પાલન કરવામાં સફળ રીતે પાલન કરવામાં સહકાર આપ્યો એને લઈ અને આજે એ સૌનું સન્માન કરવામાં ગ્રામ પંચાયત તરફથી સન્માન કરવામાં આવ્યું અને ગામના દાતાશ્રી ભાવનાબેન ત્રિવેદી તરફથી તે સૌને ગિફ્ટ આપવામાં આવી આ સમારંભમાં આજે પેટલી ગામના સરપંચ શ્રી ભૂમિકાબેન તાલુકા પંચાયત ઉપપ્રમુખ શ્રી દયાભાઈ પરમાર પંચાયતના સભ્યશ્રીઓ તેમજ લૂંટમત મેળીના ચેરમેન શ્રી વાઇસ ચેરમેન શ્રી સેક્રેટરી શ્રી તેમજ ગામના આગેવાન નાગરિકોએ હાજરી આપી અને આ સૌનું સન્માન કર્યું આજના પ્રસંગે આ સિવાય લોકડાઉનના આ દિવસો દરમિયાન જે કંઈ ગ્રામજનોએ ગ્રામ પંચાયતને સહકાર આપ્યો છે તે સૌનો ગ્રામ પંચાયત તરફથી હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું અને આપ સૌની તંદુરસ્તી સારી રહે Thank you.